तो जुले नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल LDRvlogs पे। तो आज है 31 जुलाई और मैं हूँ ले से लगभग 150 किलोमीटर हम चुमातंग की तरफ जा रहे हैं। और चुमातंग से कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। तो कल रात जब मैं अपना पिछले वाला ब्लॉग ख़त्म करने के बाद मैं घर आया था, तब जाके प्लान बना। सुबह तक तो मतलब कंफर्म नहीं था, फिर सुबह कंफर्म हुआ। तो हम लोग ले से लगभग निकले 2-2:30 बजे के करीब। तो हम लोग अभी पहुँचने वाला है चुमातंग। तो कहाँ जाने वाला है वो सरप्राइज़ है, मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा। जब वहाँ पहुँचेगा तब आप लोग को दिखाऊँगा। तो मैं आया हूँ अपने दो फ्रेंड के साथ, तो आप लोग उनसे मिलाता हूँ। एक है अपना जिमी भाई, हेलो। ये अपना जुमेद भाई। हम तीन जा रहे हैं वहाँ चुमातंग। और आगे फिर वहाँ पर एक फ्रेंड है जो लोकल है। चलिए मिलते हैं चुमातंग पहुँचने के बाद। तो ये हम लोग पहुँच गए चुमातंग। तो चुमातंग का एक स्पेशल चीज़ है हॉट स्प्रिंग वाटर, तो आप लोग को अभी हम वो दिखाते हैं। और मेरे साथ है अपना जिमी भाई। जिमी भाई फ्रेम में आओ ना, हेलो ना अपना भाई। और जिमी भाई कैसा लगा अपना अनप्लान ट्रिप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वैसे कंफर्म नहीं था, जिमी भाई ने मेरे को फ़ोन किया रात पहले। स्टार्टिंग से सोच रहा था कि व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन रास्ते में आते समय जो पिछले वाला व्लॉग था मुझे वो भी अपलोड करना था, तो अपलोड किया। और रात को काफ़ी देर तक जाके बैठा, फिर वीडियो एडिटिंग करना था पिछले वाला, तो इसलिए कर नहीं पाया। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर जो कि चुमातंग का बहुत स्पेशल ये है। क्या स्पेशल क्या है जिमी भाई, बोलना। स्पेशल अगर आप लोग यहाँ पे अंडा रखेंगे तो अंडा भी मतलब ऐसा पक जाएगा, इतना गर्म पानी आता है। जो जो लद्दाख आए हो टूरिस्ट उनको तो पता होगा, और जिनको पता नहीं है उनके लिए आपका कलीन भाई जिंदा दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लोग नहा भी सकते हो गरम गरम पानी से, जिसे नहाना है। और मैं आज का अपना गाइड है जिमी भाई, अपना गाइड है। पिछले साल तो बोलता था, इस साल क्या हो गया। कैमरा तंगना चीज़ें आप पता नहीं कैमरे में कैसा देखने से वो भी देख सकते हो। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रीम हिंदी में क्या कहते हैं स्ट्रीम को, मेरे को पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता तो होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। पड़ा नहीं आ रहेगा छून भैया दुकान। जगह है यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। और एक तो इसमें से भी है, इसमें तो पानी तो नहीं देख रहे हैं। ओहो, ये तो पत्थर ही गर्म है। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ से जहाँ हम लोग जा रहे हैं उधर तक पहुँचने में अभी लगभग 30-40 किलोमीटर होगा। तो ज़्यादा यहाँ पे बैठेगा तो फिर लेट हो जाएगा, फिर वहाँ पे टेंट वेंट लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो स्प्रिंग वाटर में अपना अभी गुमेद भाई ने अंडा रखा, तो यहाँ देख सकते हो आप अंडा भी पक गया इसके अंदर। तो यहाँ पे रखा अंडा, नीचे वहाँ से जाके आया था तब तक हमने भाई यहाँ पे अंडा रखा था 3। एक तो अभी खा रहे हैं भाई, अपना पकाए बोल रहे हैं। तो अपना ये 2 अंडा है, एक मेरे लिए और एक मेरे लिए। और अंडा को रखे हुए यहाँ पे सिर्फ कम से कम 10 मिनट हुआ। अपना भाई तो खा भी लिए। पक गया भी, दिखाओ। साथ में थोड़ा सा नमक होता ना भाई, वो भी है। क्योंकि ये पानी नमकीन होता ना इसलिए। अब चलो भाई मैगी पीने के लिए जाते हैं। मैगी पीते कि खाते, वैसे खाते कि पीते भी भाई। तो अभी हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच गए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। एक तो यहाँ से जो मेन रोड है वो ब्लॉक है, पता नहीं बीच में कुछ गाड़ी रखा है जो काम चल रहा है। तो पीछे यहाँ से रास्ता है, उसके आगे वापस जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से वापस जाके फिर वो जो कच्चा रोड है वो लेके फिर उधर से उस साइड, शायद उस साइड जाना है। मैं खुद भी पहली बार जा रहा हूँ। तो फिलहाल लेते छोटा सा टी ब्रेक। What a delicious samosas and जी। थैंक यू सर। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम माहे। तो कल रात को व्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, फिर हमें अपना टेंट भी लगाना था इसलिए। तो इस जगह का नाम है यायाथो। सो मतलब लेक। तो मैं खुद ने भी फर्स्ट टाइम सुना और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। रात को अंधेरा होने के बाद पहुंचा तो फिर स्पॉट भी मतलब अच्छा सा मतलब पता नहीं चला बैठने के लिए, तो हम लोग कल यहाँ पे बैठे थे। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है ये सीरियस बात है, बाकी तो आप लोग पे आप लोग सीरियस लेते हो कि नहीं लेते हो। तो आप लोग चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हो, सारे जाते हैं पिकनिक करने के लिए, पार्टी करने के लिए, करो पार्टी करो, पिकनिक करो, इन्जॉय करना चाहिए लाइफ में। लेकिन जो यहाँ पे हरकत कर रखा है ये नहीं करना चाहिए। तो कोई पहले आया होगा, खाया पिया, बस गंदगी इधर ही फेंक के चले गए। अगर आप लोग कहीं जगह जाते हो वहाँ स्पेशली साफ़ कर नहीं सकते हो तो कम से कम गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो जैसे लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सारे ऐसे फेंकते चले जाएगा, तो फिर पूरा गंदगी फैल जाएगा। तो ऐसे हरकत से दो इफेक्ट्स होता है, एक तो आप लोग गंदगी तो फैला रहे हो। ये लेक जो ये माहे गाँव के अंदर आता है, तो गाँव वाले भी इधर जाने के लिए मतलब बैन कर देगा, इधर जाने नहीं देगा। फिर आप लोग ही सोचो, आप लोग को जगह जगह जाके गंदगी फैला के जगह का बैंड करना है कि जाके इंजॉय करके जो कूड़ा है वो अपने साथ ले जाओ। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यही करना। और आज मैं करता हूँ अपना गोप्रो का वाटर टेस्ट। और लेमन टी था, लेमन टी तो मैं पीना भूल ही गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर और अपना गोप्रो का टेस्ट करते। वैसे मेरे को स्विमिंग कुछ खास तो नहीं आता, फिर भी ट्राई करते। पानी ठंडा है लेकिन उतना भी नहीं है। हाँ, थोड़ी देर पहले तो हवा बहुत तेज़ चल रहा था, मतलब हल्का हल्का सा बारिश हुआ। अभी इधर तक तो उतना गहरा नहीं है पानी, वहाँ जहाँ से कलर चेंज होता है उधर से है गहरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो भी प्लीज़ लाइक कर देना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।